नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप सब लोग देख रहे हैं दिन नक्षत्र। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को पहली ही बार में आसानी के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में बांट रखा है। पहला हिस्सा उनके लिए है जो ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में हम बात करेंगे उन तमाम मिथ्स को लेकर के जिन मिथ्स का टूटना बहुत जरूरी है, और दूसरे पहलू में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से वो बुक्स होने चाहिए जिसके बदौलत आप ये एग्जाम को बड़ी आसानी के साथ बारी बारी पढ़कर प्रिपेयर कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वीडियो का पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि इस एग्जाम को लेकर तमाम मिथ्स बनी है मार्केट में। अगर आप देखते हैं कि कोई भी नया एस्पिरेंट आता है तो बहुत सारे इंटरनेट सर्च करता है, उसके बाद उसको एक चीज बहुत आराम से मिल जाती है, उसको ये एहसास दिया जाता है कि ये एग्जामिनेशन जो है ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। हालांकि ये बात सच नहीं है। अगर आप पूरे इतिहास में भी देखें तो ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड सर्वेज हुए हैं जिसमें आप यूपीएससी का नामो निशान नहीं पाएंगे। हाँ, इस एग्जाम को टफ बनाते हैं इस एग्जाम के कॉम्पिटिटर्स। इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं और फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, व्हिच मेक्स दिस एग्जामिनेशन अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। हालांकि ये एग्जाम जो है उतना टफ नहीं है। तो जो कोई भी एग्जाम, अगर कोई कैट का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए कैट दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। अगर कोई नेट या जेई का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए दुनिया का सब टफेस्ट एग्जाम होता है। तो इसमें ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो दूसरी बात है वो ये है कि जरूर ये आईएएस बनने का जो सपना है ये या तो कोई चाइल्डहुड ड्रीम होना चाहिए या तो ये कोई पीछे कोई ट्रेजिक स्टोरी होनी चाहिए। मैं आप सबको ये बता देता हूं कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट है, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे, मतलब इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है। ना ही इनके पीछे कोई चाइल्डहुड ड्रीम थी और ना ही इनके पीछे कोई ट्रेजिक स्टोरी थी। इसका मतलब यह है कि सपने को, आईएएस बनने के सपने को आप ऑर्गेनिकली भी डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली भी ये चीज डेवलप हो सकती है एज यू प्रोसीड इन योर रेस्पेक्टिव लाइव्स। आप जिस तरीके की एक्सपीरियंसेस आप देखेंगे या एक्सपीरियंसेस को फील करेंगे, आपकी उस तरह से आपकी सोच बनेगी, आपका अप्रोच बनेगा टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स सर्विसेज। जैसी तरह से आपकी एक्सपीरियंसेस ग्रो करेगी और ऑर्गेनिकली आपका जो ड्रीम है आईएएस बनने का ये हो सकता है। तो जरूरी नहीं है आपको कोई चाइल्डहुड ड्रीम हो। नेक्स्ट मिथ होती है कि इस एग्जाम को पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहां से लाए। मोटिवेशन जो है वो आपको अपने अंदर से लानी पड़ेगी। इसीलिए सबसे बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो बी द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन योरसेल्फ। आपको किसी दूसरे जगह से मोटिवेशन पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे वो एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर खत्म हो जाता है तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए कोई भी इंसेंटिव बचती नहीं है। तो आप अपने लिए खुद एक मोटिवेटर बने। नेक्स्ट जो बात है वो एक और मेथड, वो ये है कि हार्डवर्क किसे कहते हैं। क्या हार्डवर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स होता है? ये मैं अपने आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि नंबर ऑफ आवर्स से आप हार्डवर्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप 2 घंटे में भी बहुत ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं जो कि 10 घंटे में भी कोई लोग नहीं दे सकते हैं। तो हार्डवर्क इज एब्सोल्युटली नॉट इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ आवर्स। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, क्या इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है? इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लेकिन इंटेलिजेंट कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। आप इसको लर्न कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस, या तो परसेवरेंस के साथ या तो डिटर्मिनेशन के साथ। तो इंटेलिजेंट अगर कोई नहीं है तो वो कभी आईएएस नहीं बन सकता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपके पास्ट रिकॉर्ड्स में, रिजल्ट्स में, 11th 12th में या ग्रेजुएशन में आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं और लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, यू हैव बिकम अ शेम टू योर फैमिली, इट डजंट मैटर। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज। आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं? आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। जितने सारे लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, आप हिंदी ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, विच एवर सब्जेक्ट यू वांट यू कैन टेक। बस ये है कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को लेते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज को लेते हैं तो इससे रिलेटेड मटेरियल्स आपको बहुत ज्यादा बेटर मिलेंगी। जैसे बहुत सारे अच्छे न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में आते हैं, बहुत सारे अच्छे जर्नल्स इंग्लिश में आते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, कंटेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा, समझ आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट पे पकड़ आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ये चीजों को करने के लिए लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। उसके बाद आती है फैमिली सपोर्ट। बहुत लोग ऐसे होते हैं आपके फैमिली में जो आपको एनकरेज करेंगे, कुछ लोग करेंगे डिस्करेज, और कुछ लोग ये करेंगे आपके रिजल्ट को देखकर अपने अपने डिसीजंस को मोल्ड करेंगे। या तो कहेंगे कि हमें पहले से पता था आप बन जाएंगे, या तो कहेंगे कि हमने तो पहले ही मना किया था। ऐसे वेलविशर्स से आप अपने आप को दूर रखें 1-1.5 साल तक।
इसके अलावा जो आखिरी चीज होती है वो ये कि मान लीजिए आपने एग्जाम को दिया और बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई करी और आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया, इसके बाद आपके जीवन में एक सवाल आएगा और आप लोगों के रवैये में एक चीज आएगी, वो है कि आई हैव अराइव्ड, माई टाइम हैज स्टार्टेड। तो ये जो आई हैव अराइव्ड, तो जैसे ये मानसिकता दिमाग में आया तो सवाल अपने आप से पूछना, वेयर हैव यू अराइव्ड। एक्चुअली में एग्जाम को निकालने के बाद ही आपकी असली जंग शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एग्जाम को निकाल लिया है तो आप उपयुक्त हो गए हैं, आप एलिजिबल हो गए पब्लिक को सर्व करने के लिए। तो आप अपना आपको कोई एलिटिस्ट ना समझें, क्योंकि एलिटिज्म से ही हमारी ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो आप अराइव तो कर गए हैं, लेकिन फॉर द बेटर एंड न्यू चैलेंजेस अराइव करे हैं, फॉर बेटर एंड न्यू चैलेंजेस आपको पब्लिक की सेवा करनी है। तो ये जो तमाम मिथ्स थी, आई होप मैंने इस मिथ्स को ब्रेक किया है। इसका मतलब एक शब्द में कहा जाए तो कठोर मेहनत और एक ईमानदार तरीके से सही डायरेक्शन में अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी पास्ट रिकॉर्ड्स एकेडमिकली क्या है वो मायने नहीं रखती है, और ना ही आपकी फैमिली बैकग्राउंड मायने रखती है। कोई भी इंसान मेहनत से इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। दूसरी चीज आती है कि इस वीडियो का जो दूसरा पहलू है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बुक लिस्ट कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स ऐसी हैं। ये जो मैं बुक लिस्ट आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ही थॉरो एंड रिसर्च है, सभी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, और ऑलमोस्ट 90% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो सबने इस चीज को फॉलो कर रखा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। कई लोग कहेंगे कि इंडियन पॉलिटी इज द ओनली सोर्स फॉर इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट 25% क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंस इन सब में इससे आते हैं। प्रीलिम्स का जो 25% है वो सिर्फ स्टैटिक्स से नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड करंट से भी पूछा जाता है। आपको इस किताब को पढ़ने के लिए अंदर से एक एक शब्द को आपको छूना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से सारे कंटेंट्स पढ़ लिए तो आपका हो गया। इस किताब को कम से कम आपको 15 से 20 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको इसमें इसकी इसकी जो असली मजा है आप उसको ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इसके साथ साथ क्या पढ़ें। जब भी आप पॉलिटी शुरू करें तो उसके साथ साथ अवश्य मॉडर्न हिस्ट्री को इस किताब को पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम वाली किताब की जो नई एडिशन है इसको पढ़ें। इससे फायदा क्या होगा कि इसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो एस्पेक्ट्स हैं और इंडियन पॉलिटी की जो बिगिनिंग है, ये दोनों कहीं ना कहीं मर्ज होती हैं। तो अगर आप इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप लोग जरूर पॉलिटी को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात आती है कि अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री कर ली तो एंशियंट और मेडिवल के लिए कौन सी किताब को फॉलो करा जाए। उसके लिए 1 पॉइंट सोर्स है पूनम दलाल दहिया की, इस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम लोग कहेंगे कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आर एस शर्मा इन चीजों को पढ़ने से आपकी आपको कोई नुकसान होगा, लेकिन एक नुकसान जरूर होगा कि आप अगर उस किताब को बारी बारी भी पढ़ लेंगे तो भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके छूट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उन किताबों की या एनसीईआरटी की हिस्ट्री की उतनी खास नहीं है। इसीलिए 1 पॉइंट सोर्स के लिए ये किताब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी किताब है। तो आप इसको एंशियंट और मेडिवल के लिए, स्पेक्ट्रम को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ पॉलिटी को आप लक्ष्मीकांत से आप कवर कर सकते हैं। तो इन तीनों किताब से आप अपने हिस्ट्री और पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो नई वाली स्पेक्ट्रम आई है इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसके अंदर ऐड की गई है। तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है सिर्फ इन तीन किताबों से। इसके बाद आती है इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको बहुत लोग कहेंगे कि रमेश सिंह की इस किताब को पढ़ें। ये रमेश सिंह की किताब को आप जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत बल्की है, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखे गए हैं और इसको रट्टा मारना इट बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। तो इस ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव किताब है, लेकिन जैसे मैंने फिर से कहा कि ये एग्जाम फ्रेंडली नहीं है। तो एग्जाम फ्रेंडली के लिए आप नेक्स्ट आईएएस की इंडियन इकोनॉमी को खरीद सकते हैं। इन सारे किताबों की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, आप इकोनॉमिक्स के लिए इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो भी केवल 11th और 12th क्लास की, और उसके साथ फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप नेक्स्ट आईएएस की इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। ये किताब बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही बड़े बड़े लैंग्वेज फॉन्ट साइज में लिखी गई है, और इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कई लोग कहेंगे कि आप गोची लॉन्ग का या जीसी लॉन्ग की किताब पढ़ें फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सक्सेस के लिए अपने रिसोर्सेज को लिमिट करिए और एक ही रिसोर्स को बारी बारी पढ़िए। अगर आप जीसी लॉन्ग पढ़ते हैं तो जीसी लॉन्ग के साथ एनसीईआरटी पढ़े, और इस नेक्स्ट आईएएस की जो ज्योग्राफी की किताब है इसको आप भूल जाए, ठीक है। दोनों को साथ साथ ना करें। तो एक ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया। रही बात इकोनॉमी की, इकोनॉमी भी मैंने बता दिया। अब रही बात ओवरऑल करंट अफेयर्स की, कि पिछले एक साल में क्या क्या हुआ है। कई लोग आपको कहेंगे कि आप इंडिया ये बुक का पढ़ लें। एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया ये बुक बहुत ही मोटी और बहुत ही बल्की किताब है, उससे आपकी प्रिपरेशन से दूर आपको साइकोलॉजिकली डरा देती है।
रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी किताब है फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाटएवर हैपेंड इन द लास्ट वन ईयर, उसके लिए मैं कहूंगा मनोरमा ईयरबुक आप जरूर खरीद लें। मनोरमा ईयरबुक से बेहतर किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी व्हेन इट कम्स टू ऑल अराउंड करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग मंथली या तो विजन की PG 365 जरूर परचेज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मनोरमा के साथ साथ आप PT विजन का कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो किताबें मैंने बताई फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको एंड पॉलिटी, अगर इन पांच एरियाज में अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स अगर आप पांच एरियाज को कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ही आसान होने वाली है, और आप इस एग्जाम को आसानी से पार कर सकते हैं और वो भी अच्छे नंबरों के साथ। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स को पढ़ते समय स्टैटिक को जोड़ कर पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स की डिटेल एनालिसिस करके मैं आप सबके सामने वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चैनल पसंद आएगा, इसकी कंटेंट्स को आप पसंद करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके किसी काम आ सकती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हम ये कॉन्टेंट को और दूर दूर तक पहुँचा सके। नमस्कार।